Hi students, this is KD sir from Shivam Education. In last video, we did introduction to probability, then exercise 15.1, question number 1 to 9 तक किए, कुछ examples किए, और आज हम continue करेंगे question number 10 से. Okay, let's start. In a piggy bank contains 150 paise coin, 51 rupee coin, 22 rupee coin, or 10 5 rupee coin. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin is, first question, will be a 50 paise coin and will not be a 5 rupee coin. Now, ek mein positive, ek mein negative pucha hai. Okay, first possible outcomes jod lete hain. Yaar, 50 paise coin is equal to कितना है 100, फिर 1 रुपी कॉइन कितना है 50, फिर 2 रुपीस कॉइन कितना है 20, फिर 10 रुपीस कॉइन नहीं 5 रुपीस कॉइन राइट दैट इज कितना है 10. टोटल कितना हुआ देखिए, दिस इज 180 टोटल कॉइंस राइट. टोटल कॉइंस कितना है 180. अब ये हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने में यूज करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, विल बी ए 50 पैसे कॉइन राइट. ओके, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, ये पॉसिबल आउटकम हो गया, तो फेवरेबल आउटकम कितना है, फेवरेबल आउटकम्स टू गेट 50 पैसे कॉइन कितने हैं, 50 पैसे है 100 बराबर. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन. अब आपको ये चीज यहां बताता हूं, देयर आर टू वेज, आइदर यू राइट प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली 50 पैसे कॉइन, 1 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, नॉट, ये सब लिख सकते हैं, एल्स यू कैन डिफाइन इट एज ए इवेंट. लेट इवेंट ई टू गेट अ 50 पैसे कॉइन राइट, तो इस तरह डिफाइन भी कर सकते हो. तो आप यू कैन राइट बोथ द वे. यहां पे फॉर्मूला लिखिए, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल बोलो या तो टोटल आउटकम्स बोलो. पॉसिबल आउटकम्स क्या आएगा, 100 अपॉन 180, 00 कट, 2 5 जा 2 9 जा दैट इज 5 अपॉन 9. दिस इज योर फर्स्ट आंसर. अब सेकंड में देखो उन्होंने कुछ और पूछा है. सेकंड में उन्होंने बोला कि विल नॉट बी ए will not be a 5 rupee coin. Okay? अब not be a मतलब हम क्या करेंगे, पहले 5 rupee coin ढूंढ लेते हैं. Probability of 5 rupee coin. Right? Probability of 5 rupee coin का क्या होगा, favorable outcome upon total outcomes या तो possible outcomes. राइट, इज इक्वल टू क्या होगा, ये 5 रुपीज कॉइन का था ये रिया, तो 10 अपॉन 180, 00 कट हो गया दैट इज 1 अपॉन 18. लेकिन हमको तो क्या है, विल नॉट बी ए, तो इसका ऑपोजिट लेना है. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी ए 5 रुपी कॉइन इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन. राइट, याद है आपको, P of E dash is equal to 1 minus P of E. P of E dash is equal to 1 minus P of E. वो वाला फॉर्मूला. Therefore, is equal to 1 minus 1 upon 18. 18 minus 1 upon 18. 17 upon 18. Done? This is your answer. Okay? तो आपको इस तरह सम करना है. तो this is our question number 10. Let's go to the next sum. Students, question number 11. Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. Right? What is the probability that the fish taken out is a male fish? ये सब देखिए, question इतना बड़ा है, answer आप orally बोल सकते हैं, इतना easy होता है. Right? 5 plus 8, 13. Male fish क्या है? 5.
5/13, लेकिन यू नीड टू शो इट इन स्टेटमेंट वाइज, राइट। पहले क्या करना है, पॉसिबल आउटकम्स, राइट। मेल फिश कितना है, इज इक्वल टू 5, फीमेल फिश इज इक्वल टू 8, therefore टोटल फिश 13, राइट। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल फिश, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल फिश इज इक्वल टू क्या लिखना है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल आउटकम, क्या आएगा, और ये आपके 2 marks क्वेश्चन, इजी है, वेरी इजी, राइट। तो यू हैव टू जस्ट डू दिस वे, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सब। सो स्टूडेंट्स लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 12। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो व्हिच कम्स टू द रेस्ट pointing at one of the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at question number 1, 8, an odd number, a number greater than 2, a number less than 9. Now here possible outcomes, possible outcomes kya hai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो मतलब टोटल आउटकम्स कितना है, 8, ये हमको जानना जरूरी है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, 8, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल आउटकम, क्या आएगा, 8 तो एक ही बार है, देखिए एरिया, राइट। तो 1/8, दिस इज योर आंसर, राइट। और ये इसको इक्वली लाइकली क्यों बोला गया है, आप जब भी देखो ये स्पिनिंग व्हील देखोगे ना, वो जब घुमाएंगे वो कहीं भी रुक सकता है, राइट। तो ऑल आर हैविंग इक्वल चांसेस, दैट इट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर क्या है, एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर कौन से हैं, ऑड नंबर में अगर देखें तो द ऑड नंबर्स आर 1, 3, 5, 7 इज इक्वल टू कितने टोटल, 4 आउटकम्स, राइट। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ पी कैपिटल ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, गेटिंग ऑड नंबर इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू कितना आएगा, 1, 2, 3, 4 ना, तो 4/8, 4 × 4, 4 × 2 = 8, 1/2, राइट। अब वैसे ही ये थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्या बोल रहे हैं, अ नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 2 कितने हैं, नंबर ग्रेटर देन 2, राइट, फेवरेबल आउटकम्स लिखो तो क्या क्या है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो कितने हुए जरा देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, दैट इज 6, राइट। अब फॉर्मूला लगा दो, पी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 2, राइट, इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम, कितना है, 6/8, 2, 3 × 2, 4 × 3/4, राइट। फोर्थ नंबर, यहां भी देखिए, यहां से ये वाला, राइट, इस तरह होगा। फोर्थ नंबर क्या है, अ नंबर लेस देन 9, लेस देन 9, अब तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, आउटकम्स इज इक्वल टू लेस देन 9 देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब आ गए, तो इज इक्वल टू सब 8, राइट। देयरफॉर पी ऑफ नंबर
less than 9 is equal to favorable outcomes upon possible outcome is equal to 8 upon 8 cut ho jayega. That is 1 is your answer. Okay, I hope you understood. Let's go to the next sum. A die is thrown once, find the probability of getting a prime number. First of all, die throw karte hain, toh kitne numbers hote hain uske total? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toh possible outcomes likhte hain? Possible outcomes is equal to 6. Right? 1, 2, 3, 4, 5, 6. That is 6. Right? Ab, prime number. Ab isme prime number kaun se karte hain? Favorable outcome. प्राइम नंबर 2 है, 3 है और 5 है, जिसका फैक्टर सेम द नंबर इटसेल्फ एंड 1, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर. तो 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा. राइट, तो कितने हुए सर? 3. देयरफॉर पी ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल आउटकम is equal to 3 upon 6. 3 1 is 3, 1 upon 2 is the answer. Right? Up same second number. A number lying between 2 and 6. Favorable outcome is equal to 3, 4, 5. Between bola hai. So 2 bhi nahi aayega, 6 bhi nahi aayega. So 3, 4, 5 matlab aaya 3 numbers. Therefore, P number lying between 2 and 6 is equal to favorable outcome upon possible outcomes is equal to kya aega? 3 upon 6. 3 1 is 3, 3 2 is 6, 1 upon 2. Ye bhi aa gaya. Next, odd number. Favorable outcomes. Odd number kaun se hai? 1, 3, 5, 5. राइट, वापस देखिए इसमें ये क्या आया? 3 नंबर. देयरफॉर क्या आएगा? P ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल आउटकम. राइट, दैट इज 3 अपॉन 6. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 अपॉन 2. राइट, दिस इज द आंसर. तो यू गॉट इट, ये इस तरह करना है और आपको आराम से सम आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट सम. ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14. वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस. ऑल क्वेश्चंस वी हैव टू डू. राइट, कार्ड का जो है ऑलरेडी हमने एक एग्जांपल किया हुआ है, हमने बताया हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड क्या होता है. राइट, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कार्ड हर एक इसमें होगा. राइट, तो ये जो चीज जो है हमने ऑलरेडी कर चुके हैं. तो लेट्स सी नाउ पॉसिबल आउटकम्स लिखिए. पॉसिबल आउटकम्स कितना है? 52 कार्ड्स. राइट, अब फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है? ए किंग ऑफ रेड कलर. अ किंग ऑफ रेड कलर. राइट, अब अ किंग ऑफ रेड कलर का मतलब क्या है? एक्चुअली दो है, एक हार्ट में है और एक डायमंड में है. राइट, तो फेवरेबल आउटकम्स हार्ट किंग एंड डायमंड किंग. राइट, तो दैट इज इक्वल टू 2. राइट, तो यहां पे लिख दीजिए पी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर क्या आएगा? 2 अपॉन 52, दैट इज 2 वन जा 2, 2 to the 4, 1, 2, 6 are 1 upon 26. Pehla answer. Right? Ab second wala dekhen. Ye face card. Ab face card kaun sa hai? J, Q, K. Right? Ab ye teen hote hain. Lekin har ek mein hota hai teen ho teen. To 3, 4 da kitna hua? 12. Right? To favorable outcomes is equal to 12. Therefore, P of face card is equal to favorable outcome upon possible outcome
राइट कितना लिखेंगे हम 12/52 राइट तो ये क्या हो जाएगा 4 3 4 1 4 3 राइट ओके तो क्या हो जाएगा 3/13 दिस इज द आंसर राइट। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या पूछा है ये रेड फेस कार्ड। ये रेड फेस कार्ड ध्यान से बोलना देखना आप। रेड फेस कार्ड दो रेड होते हैं राइट और वो भी फेस कार्ड बोला है। तीन फेस कार्ड एक टाइप में होता है यहाँ पे दो रेड होते हैं कौन से डायमंड और हार्ट तो 6 हुआ। देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 6 राइट कैसे तीन रेड इसमें तीन रेड उसमें। देयरफॉर पी ऑफ ये रेड फेस कार्ड इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम राइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/52 क्या आएगा 2 3 2 6 दैट इज 3/26 राइट। और कुछ नेक्स्ट आएगा फोर्थ। फोर्थ है द जैक ऑफ हार्ट। अब जैक ऑफ हार्ट एक ही तो होता है हार्ट राइट तो दैट इज फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा इक्वल टू 1 देयरफॉर पी जैक ऑफ हार्ट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/52 राइट ये हो गया। अब आएगा फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर क्या है स्पैड। अब स्पैड मतलब स्पैड कार्ड कितने होते हैं हर एक टाइप में 13 होता है तो देयरफॉर फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 13 देयरफॉर पी ऑफ स्पैड इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल आउटकम्स दैट इज 13/52 कितना आएगा 1/4 राइट दिस इज योर अनदर आंसर। लास्ट है सिक्स्थ नंबर। क्या बोला है द क्वीन ऑफ डायमंड्स। क्वीन ऑफ डायमंड अब डायमंड क्वीन तो हर एक टाइप में एक ही है तो डायमंड में भी क्वीन कितनी होगी एक ही है देयरफॉर फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 1 देयरफॉर क्वीन ऑफ डायमंड इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 1/52 राइट दिस इज योर आंसर। अंडरस्टूड ऑल ऑफ देम। एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ के आप जवाब दोगे इजीली आंसर आ जाएगा। ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम। ओके स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन नंबर 15 फाइव कार्ड्स कौन से हैं द 10 राइट द 10 नंबर फिर जैक फिर क्वीन फिर किंग और एक राइट ये सारे कौन से कार्ड्स हैं दे आर ऑफ ऑल ऑफ डायमंड्स राइट तो दे आर शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स one card is picked up at random. Question number 1 is what is the probability that the card is queen. Now possible outcomes kya ho gaya possible outcomes 1 2 3 4 5 right ye ho gaya total outcomes. Now the probability that card is queen ab isme se queen kitne hai only 1 right therefore it is 1 पहले लिख दीजिए फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल आउटकम राइट दैट इज 1/5 दिस इज योर आंसर डन। तो अब नेक्स्ट है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। अब देखो 5 ऑलरेडी कार्ड थे उसमें से क्वीन हमने निकाला तो उसको साइड में कर दिया। अब पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 4 नाउ लिखिए नाउ द पॉसिबल आउटकम is 4 right
therefore ace आने के चांसेस क्या है, therefore probability to get an ace is equal to favorable outcome upon possible outcome. अब क्या होगा, 1/4 क्योंकि एस भी 1 ही है, राइट, दिस इज द थिंग. लेकिन यहां पे पूछ रहे हैं कि क्वीन के चांसेस कितने. अब जब क्वीन है नहीं फिर क्वीन कैसे आएगा, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट, देयरफॉर और इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0, राइट. तो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग. तो पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 4 P of getting queen is equal to favorable outcome upon possible outcome is equal to 0/4, that is 0. Understood all of them? This is the answer. Okay, let's go to the next sum. So students, let's start question number 16. 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. 12 defective pen hai aur 132 good ones, right? So it is possible to just look at, it is not possible to look at just at a pen and tell whether it is defective or not. One pen is taken out at random from the lot, determine the probability that the pen taken out is a good one. First hum log ko possible outcomes dhoondna hai. So possible outcomes is equal to defective plus good one. Defective plus good ones. Right? Kitna hai? 12 plus 132. Kitna hoga? 144. Right? 144 pens jo hai wo total hai. Ab humko kya chahiye? Probability that the selected pen is good one. So P a good pen. Right? Is equal to possible outcomes upon favorable outcomes आएगा ना ऊपर, favorable outcomes upon possible outcomes, right. अब 132 हमको चाहिए, right. तो therefore favorable outcome क्या हो जाएगा, 132 और possible outcomes 144. कट करने की कोशिश कीजिए, 2 6 12 1 2 6 12 2 7 14 2 2 3 2 36 फिr वापस 3 11 2, राइट, दैट इज 11/12, दिस इज योर आंसर. कटिंग, राइट. तो इतना इजी सम है, क्वेश्चंस बड़े बड़े आएंगे आपको, आराम से पढ़ के अगर आप उसको समझ जाते हो तो आप इजीली कर सकते हो. इट्स जस्ट 2-3 लाइन सम, राइट, बट यू विल स्कोर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स. चलो नेक्स्ट सम. तो स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन नंबर 17. अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स, राइट, 20 बल्ब्स का एक लॉट था, कंटेन 4 डिफेक्टिव है, उसमें कितने डिफेक्टिव है, 4 डिफेक्टिव, राइट. तो वन बल्ब इज सिलेक्टेड एंड ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव. नाउ फर्स्ट let now possible outcomes answer. Possible outcomes kya hai is equal to possible outcomes total kitne hai, 20, right. Or favorable outcome kya hai defective wale, 4, right. Therefore probability that the bulb is defective bulb is equal to favorable outcome upon possible outcome. Kya aega? 4/20. 4 1 4 4 5 1/5. This is your answer, right. To ye to easy tha. Now question number 2 mein zara dhyan se padhna. Suppose the bulb drawn in 1, right? Suppose the bulb drawn in 1 is not defective. कौन सा था? Not defective मतलब बाकी 16 में से, right? And is not replaced. Not defective वो था, एक select हुआ, and is not replaced का मतलब क्या है? Now
your possible outcome 20 minus 1, not 3 plus 1, that is 19, right? Ye ho gaya total outcome. Ab favorable outcome कितना था, 16 था, तो 16 माइनस 1 कितना है 15, दिस इज द फेवरेबल आउटकम, राइट. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए नॉट डिफेक्टिव वन, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम, राइट. आपको खाली इतना याद रखना है, राइट, दैट इज 15 अपॉन 19. ये तो कट हो नहीं सकता, कैंसिलेशन. तो दिस इज योर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड, राइट. तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18 इज अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क टोटल, राइट, विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 टू 19. ये हम लोग ऐसे वो टोकन देते हैं, जैसे 1, 2, 3, इस तरह एक डिस्क में उन्होंने नंबर लिख के रखा है 1 टू 90. इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ टू डिजिट नंबर. सबसे पहले, राइट, पहले तो आपको पता है पॉसिबल आउटकम कितना है, ये टोटल कितना हुआ, दैट इज 90, राइट. ये लिख के रख लो. अब पहला वाला टू डिजिट नंबर, अब टू डिजिट नंबर अगर देखे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 तक ही सिंगल डिजिट है, बाकी सब टू डिजिट है. तो मतलब 90 में से 9 चला गया तो क्या आएगा, देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 90 माइनस 9, कितना होगा 81, राइट. नाउ पी ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल आउटकम्स, राइट, that is 81 upon 90, 9 tens are 9 nines are, that is 9 upon 10, this is your answer, right. Same way a perfect square number, chalo dhoond lete hain possible outcome, to aapko malum hai possible outcomes is equal to 90 hai. Ab favorable outcome kya hoga, pehle to dhoond lete hain, ye 1, 4, 5, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81, राइट. यहां हो गया, फिर उसके बाद आला नहीं आएगा. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ले लो 9, राइट. So now P of a perfect square number is equal to favorable outcome upon possible outcome. क्या आएगा, 9 upon 90, 9 1 9, 9 10, that is 1 upon 10, राइट, दिस इज योर आंसर. अब थर्ड वाला वापस यहां पे भी वैसे लिखिए, पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 90 तो लिख दीजिए, फेवरेबल आउटकम अब ढूंढ लेते हैं, चलो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 and 90, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, right? So, yahan pe kya ho gaya? Is equal to 18 dal do. Okay, now P of number divided by 5 is equal to favorable outcome अपॉन पॉसिबल आउटकम, ये आपको लिखते रहना है, दैट इज 18 अपॉन 90, 9 2 9 10 2 1 2 2 5 1 अपॉन 5, दिस इज आवर आंसर. ओके, तो ये इस तरह आपको सम करना है, इजी है ना,
राइट, आपको यही बताना है टीचर को कि ये जो है डिवाइडेड बाय 90 में फाइव के टेबल्स बता देना है, फाइव का मल्टीपल्स। इसी तरह यहाँ पे क्या करना है, राइट, परफेक्ट स्क्वायर, तो टीचर को बताइए फेवरेबल आउटकम्स में क्या क्या आ सकता है। ओके, तो दिस इज योर सम, लेट्स गो टू दी क्वेश्चन नंबर 19। अ चाइल्ड हैज ए डाई हुज सिक्स फेसेस शो द लेटर एज बिलो, राइट। हम लोग जो डाइस खेलते हैं उसमें ऐसे नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन ये चाइल्ड के पास कैसे हैं, ए बी सी डी ई ए। नाउ आपको कुछ नोट हुआ इसमें, यहाँ पे देखिए ए कितनी बार है, 2 times है, तो यहाँ पे द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए, राइट। तो पॉसिबल आउटकम मतलब क्या होगा, टोटल आउटकम्स कितना है 6, फेवरेबल आउटकम दैट इज 2, क्योंकि ए कितनी बार है यहां पे 2, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी टू गेट ए इज फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम, क्या आएगा 2/6, 2 × 2, 2 × 3 = 6, 1/3 इजी, राइट। अब वो वाले सब में जाते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट डी, यहां पे भी वैसे ही लिखे पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 6, फेवरेबल आउटकम डी कितना है ओनली 1, देयरफॉर पी टू गेट डी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 1/6, दिस इज योर आंसर, राइट। देखिए जितना भी छोटा सम हो आपको ये फॉर्मूला, ये पॉसिबल, ये सब लिखना है, मार्क्स इसके मिलते हैं आपको, सम के नहीं, आंसर के नहीं, राइट। तो जस्ट फॉलो दिस, ओके। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 20। सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन एज शोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल एंड इनसाइड द सर्कल विद अ डायमीटर 1, राइट, 1 meter डायमीटर। नाउ सपोज ये रेक्टेंगुलर है, राइट, रेक्टेंगुलर रीजन दिया है, हमने डाइस फेंका यहाँ पे, तो ये डाइस क्या चांसेस है कि इट गोस इनसाइड द सर्कल, तो ये प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। तो अभी यहाँ पे पॉसिबल आउटकम मतलब क्या हो गया, सबसे बड़ा, तो ये क्या होगा, दैट इज रेक्टेंगुलर, राइट। तो पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या आएगा 3L × b, दैट इज 3 × 2, दैट इज 6 meter square, राइट। अब ये वाला रीजन का देखें, एरिया ऑफ क्या आएगा आपको, फेवरेबल आउटकम में आएगा एरिया ऑफ सर्कल, राइट। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या फॉर्मूला है, πr² दैट इज π × r, क्या है 1/2, क्योंकि डायमीटर 1 meter दिया है, तो उसका हाफ क्या हो गया 1/2, राइट। तो ये ऐसे ही लिख देते π/4, कोई जल्दी नहीं, राइट, दिस इज द थिंग। आप क्या करना है, जस्ट देखिए, कोई भी आपको सम दिखने में टफ दिखेगा, लेकिन वंस यू जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला, आपको देखो 2 lines में सम खत्म हो जाएगा, राइट। लेट्स सी नाउ, प्रोबेबिलिटी गेटिंग डाई इन द सर्कल, राइट, ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इवेंट बना दीजिए, लेट द इवेंट ई इज गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डाई इन टू द सर्कल इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम, क्या लिखना है हमको, दैट इज π/4/6, तो ये 4 नीचे आ जाएगा, π/24, 4 6 = 24, दिस इज योर आंसर, राइट, ये आपका आंसर है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेंस ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, बस आपको ये सब चीजें याद रखना है, ध्यान रखना है, राइट। तो एंड द अदर इज अदर्स आर गुड, तो नाउ न्यूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड एंड रिटर्न इट इफ इट इज डिफेक्टिव, राइट। तो पहले प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, Let's see. She will buy only when it is good. तो पहले यहां पे देखिए पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 144, राइट। शी विल बाय ओनली गुड, देयरफॉर
favorable outcomes is equal to good pen. कौन सा था good pens? Good pens कितने हैं? 144 minus 20 कितना आएगा? 124, right? तो this is our favorable outcome. बस अब ये लिख दीजिए, possibly probability a good pen is equal to favorable outcome upon possible outcome is equal to कितना आएगा? 124 upon 144. चलो 2 6 are 2 are 2 7 are 2 are 2 3 are 1 2 36 that is 31 upon 36 ये आपका आंसर, राइट? दैट इज 31 upon 36 इज द आंसर, ऐसा लिख देने का, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, शी विल नॉट बाइट, मतलब डिफेक्टिव निकला. आप यहां पे देखिए, ऑलरेडी दिया हुआ डिफेक्टिव, तो पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 144, राइट? फेवरेबल आउटकम ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 20. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट पेन इज डिफेक्टिव, pen is defective is equal to favorable outcome upon possible outcome. Likh dijiye, that is 20 upon 144. 2 tens are 272. 2 fives are 236. That is 5 upon 36. This is your answer, right? To yahan barabar tha yahan pe? Yes. To yahan pe bhi 5 upon 36. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 22. ये इसमें रिफर करना है एग्जांपल नंबर 13 और कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. इस तरह टेबल दिया हुआ है और ये जो है ये अपना एग्जांपल नंबर 13. आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं, राइट? ये क्या है, दो डाइस जब थ्रो करते हैं तो ये आपका आउटकम्स होता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1, इस तरह का आता है, राइट? हम हमको ये देखना है कि द इवेंट सम ऑन टू डाइस. सम ऑन टू डाइस मतलब जैसे 1 1 गिरा है तो टोटल कितना हुआ? 2. दैट इज कॉल्ड सम ऑन टू डाइस, राइट? अब पहला क्वेश्चन पूछा है 2. 2 कितने में आता है? देखिए 1 1 खाली ये एक पे आता है, दिख रहा है आप लोगों को? दिस इज द थिंग. तो जस्ट 1 है तो इन्होंने क्या लिखा? 1 upon 36. वाई? टोटल आउटकम 36, फेवरेबल आउटकम 1, राइट? तो एक बात है, पॉसिबल आउटकम्स आपको हमेशा लिख देने का. Possible outcomes is equal to 6 into 6, that is 36. ये लिख दिया, favorable outcome 1 हो गया. दूसरा 3. 3 में देखिए तो 1 plus 2 3, 2 plus 1 3. तो देखिए ये इस तरह का आपको टेबल यूं घुमा देने का. कितना हुआ? 2. 2 upon 36. 2 upon 36 को अगर हम करते हैं तो क्या आएगा? 1 upon 18. ऐसा भी आ सकता है. तो आप लिख सकते हैं, राइट? इस तरह. तो 1 upon 18. नेक्स्ट 4 देखिए तो 3 1 2 2 3. तो देखिए ये क्रॉस ही आते रहेगा आपको, राइट? आपको कुछ करना नहीं है, ये आ गया, राइट? बाकी सब आएगा नहीं. 1 3 2 2 3 1. और यहाँ पे आपने देखा ये 1 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे अब आएगा 3 upon 36. ये क्या आएगा? 3 1 3 2, दैट इज 1 upon 12, राइट? 5 में देखो 1 4 2 3 3 2 4 1. तो ये वाला ले लीजिए. चलो बस आपको इस तरह बनाते जाने का, राइट? तो ये हो गया 1 2 3 4. यहाँ पे 3 था, उसके बाद क्या आएगा? 4 upon 36, मतलब 1 upon 9, राइट? तो दिस इज 4 upon 36. नेक्स्ट है 6. अब 6 में कैसा आएगा? देखिए 6 में 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5, वापस वही हुआ, राइट? ये हमको ड्रॉ करते रहना है. ये हो गया, राइट? 1 2 3 4 5, राइट? यहाँ पे 4 के बाद क्या क्या आएगा? 5 upon 36. इसको कुछ कर नहीं सकते, रहने दीजिए. नेक्स्ट है 7. 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, राइट? 1 2 3 4 5 6. ये हो गया 6 upon 36, दैट इज 1 upon 6, राइट? याद रखना आप, 6 हो गया. देखिए बॉर्डर टू बॉर्डर आ गया, आप क्या होगा? रिड्यूसिंग में जाएगा. याद रखो आप, यही चीज आपको आइडिया से भी करना है, आपको पता भी चल जाएगा कि कहाँ है 6 के बाद कैसे है. देखो 5 upon 36 दिया हुआ है, 5 upon 36 होगा तो नेक्स्ट क्या होगा?
4 अपॉन 36, लेट्स सी 9 का देखिए तो 9 में क्या आएगा, 63 45 54 63 राइट 36 ये है राइट तो ये क्या हो गया 4 अपॉन 36 1 अपॉन 9 आ गया राइट फिर 4 अपॉन 36 के बाद क्या आएगा 10 मतलब 3 अपॉन 36 ये आ जाएगा 3 अपॉन 36 1 अपॉन 12 11 क्या आएगा 2 अपॉन 36 दैट इज 1 अपॉन 18 राइट दिस इज द थिंग और 1 अपॉन 36 दिया हुआ है देख लीजिए आप आराम से राइट देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम नाउ इन दिस सेम क्वेश्चन नंबर 22 सेकंड क्वेश्चन है अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आए थे 36 क्योंकि 6 into 6 36 लेकिन इन्होंने कैसा गिना है 2 3 4 इसी तरह गिना है राइट तो ये अगर गिने तो टोटल 11 ही आता है देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज ए पॉसिबल बाय 1 अपॉन 11 डू यू एग्री यू हैव टू जस्ट से नो बिकॉज़ द टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज 36 बस इतना ही लिखना है राइट ये आपको आंसर लिखना है राइट ये इसलिए क्योंकि अगर 36 होगा तो इट इज इक्वली लाइकली आउटकम देगा अगर 11 होगा तो इक्वली आउटकम लाइक आउटकम्स देखने देने वाला नहीं है राइट तो दिस इज योर आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर 23 अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन थ्री टाइम्स राइट यहां ध्यान देना एंड Noting its outcome each time, Hanif wins if all the tosses give the same result. That is 3 head or 3 tail. अगर 3 head और 3 tail आता है तो वो जीत गया. Otherwise, he loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. सबसे पहले possible outcomes लिख लेते हैं. Answer. Possible outcomes में क्या क्या आएगा बताइए. H से शुरू करते हैं. पहली बार भी हेड गिरा सेकंड टाइम भी हेड गिरा थर्ड टाइम भी हेड गिरा राइट फिर HHT फिर HTT फिर TTT फिर THH फिर TTH फिर THT 1 2 3 4 5 6 7 फिर HTH हो गया देखे तो राइट इसका कैसे फाइंड करने का होता है हेड एंड टेल टू ऑप्शन है तो टू का क्यूब कितना हो जाएगा थ्री टाइम्स होता 8 तो ये 8 आएगा राइट पॉसिबल आउटकम्स याद रखना आपको इस तरह आपको ढूंढने में इजी रहेगा ओके चलो नाउ लेट हनीफ विंस तो प्रोबेबिलिटी हनीफ विंस हनीफ विंस मतलब फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू कितना है दो ही है ना हेड एंड टेल टेल इसीलिए मैंने बोला ये पहले हम लोग ये कर लेते हैं दैट इज 1/4 आ गया राइट सर अब हमको तो उसको लूज कराना है तो देखो देयरफॉर नॉट विंस हनीफ इज इक्वल टू क्या करना है इसको याद है आपको पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश वो वाला तो 1 हनीफ विंस दैट इज 1 - 1/4 दैट इज 3/4 गॉट इट इजी है ना बस कॉपी कर लो चलो क्वेश्चन नंबर 24 अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस का मतलब पॉसिबल आउटकम अभी ऑलरेडी हमने किया हुआ था इज इक्वल टू 6 × 6 क्या आएगा 36 ये तो आ गया पॉसिबल आउटकम नाउ क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम दोनों बार डाला दोनों बार 5 नहीं आना चाहिए तो अगर आपने वो टेबल देखा है 1 1 2 2 3 वाला तो 5 बिना वाला अगर आप नंबर ढूंढोगे तो कितनी बार आता है देखो तो पहले तो 5 वाला जितना है वो माइनस कर दो तो भी आ जाएगा आपको राइट 5 वाले कितने हैं वो देख लीजिए
कैसे होंगे बताइए, एक 5 और इधर टोटल 6, 5 प्लस 6 कितना 11, 36 में से 11 क्या, तो दैट इज फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू कितना आएगा 25, राइट। तो यार प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम आइदर टाइम इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम, क्या आएगा सर 25 अपॉन 36, इजी है ना, राइट। आपको खाली फोटोग्राफ या तो फिर आपको दौर के देखो, आपको आइडिया आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, ये इसका ऑपोजिट है, यहाँ पे नॉट लिखा था यहाँ पे, तो हमने अभी प्रोबेबिलिटी इसका ढूंढा है, तो आपका वो क्या आएगा, चलो 5 विल कम एटलीस्ट वंस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, कम आइदर टाइम, राइट। ये वाला कर दीजिए 1 माइनस 25 अपॉन 36, 36 माइनस 25 अपॉन 36, 11 अपॉन 36 आंसर आया, देख लीजिए, राइट, दिस इज योर आंसर, अंडरस्टूड। आप इस तरह कर सकते हैं, टेबल को देख के भी कर सकते हैं, आप ढूंढ ढूंढ के निकाल के भी कर सकते हैं, फॉर्मूला वाइज भी कर सकते हैं, ओके। लेट्स गो टू दी लास्ट सम। सो स्टूडेंट्स, और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, फॉर गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली देर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच, therefore for each of their outcomes the probability is 1/3, let's see, pehle to possible outcome dekho, to maine bataya tha 2 coins hai to 2 ka 2 kitna aana chahiye, 4 aana chahiye, that is hh ht tt aur th, right। ab ye 4 aana chahiye aur humko pata hai ki hamesha jo पॉसिबल आउटकम से वो नीचे आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, इट इज 1/3, राइट। यार यहाँ पे लिखे रीजन, देयरफॉर इट इज इनकरेक्ट, क्या लिखने का, इट इज इनकरेक्ट बिकॉज रीजन द पॉसिबल आउटकम्स इज 4 not 3, right, therefore it must be 1/4, right, ये आएगा, right, ये आपको लिखना है, तो probability of getting for each of them is 1/4, not 1/3, वैसे ही question number 2 देखते हैं, if a die is thrown, die जो डालते हैं, there are 2 possibilities, yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैं देखिए 3 नंबर ऑड है, 3 नंबर इवन है, तो पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 6, राइट। ऑड नंबर 3, इवन नंबर 3, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर क्या हो जाएगा, P of odd number क्या आएगा, राइट, 3/6, दैट इज 1/2, परफेक्ट है, राइट, दिस इज द थिंग। वैसे देखो P of even number क्या आएगा, even number 3/6, दैट इज वापस देखें 1/2, तो देखें मतलब दे आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, राइट, तो ये दिस इज करेक्ट, देयरफॉर दिस इज करेक्ट आंसर, राइट, दिस इज द थिंग, आई होप यू अंडरस्टूड। आप लिख सकते हैं इसका रीजन, राइट, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2, यस इट इज 1/2, बिकॉज फेवरेबल आउटकम क्या आएगा, 3 आएगा अपॉन 6, दैट इज 1/2 ही आएगा, राइट, ओके। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड, लास्ट वीडियो में हमने 1-9 किया था, राइट, और अभी 10-25 किया है, जस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी सम,
वॉच दिस वीडियो, पॉज करके प्रैक्टिस कीजिए सो दैट आपका अच्छा प्रैक्टिस होए. प्लीज शेयर दिस वीडियो सो दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेट द बेनिफिट ऑफ ऑल दिस सम्स एंड मेथड ऑल्सो, राइट. और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है KD Shivam. आपको और कोई चैप्टर का भी देखना है तो KD Shivam में जाके देख सकते हैं. और बेल आइकन प्रेस कीजिए सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन. टिल दैट, बाय बाय फॉर द डे.